देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड सुनामी के बीच भाजपा ने हिमाचल में जीत के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जनता ने छप्पर फाड़ समर्थन देते हुए एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की सभी चारों लोकसभा सीटें पीएम मोदी की झोली में डाल दी हैं। रिकॉर्ड जीत दर्ज कराते हुए भाजपा ने लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप किया है। इस मौके पर आइए देखते हैं हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिमला से नवनिर्वाचित सांसद सुरेश कश्यप ने क्या कहा। हमने कहा पंडियों वैसी नहीं भाई, बदल गई है, वो दौर और था, आज के इस दौर में बहुत अंतर है। और ऐसी परिस्थिति में आज मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कही जो दिल को भी बुरी लगी, मन को भी बुरी लगी, पार्टी के साथियों को भी बुरी लगी। लेकिन ये चुनाव का एक दौर होता है, किसी को बुरा इन बातों को मन में रख करके काम करने की आवश्यकता नहीं। हम सब लोग काम करेंगे आने वाले समय में। और आज आपके इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री देश के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को। एक ऐतिहासिक जीत पूरे देश पर, जहां नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीती है। और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश भर में जो एक असेसमेंट था, एक आकलन था, हम उसको मान करके चल रहे थे कि आंकड़ा यहां तक पहुंचेगा, 350 तक पहुंचेगा, और लगभग वो आंकड़ा वहीं पर पहुंचा। और ये मुझे लगता है कि एक मजबूत सरकार को फिर से कायम करने के लिए देश की जनता ने जो समर्थन दिया है, जन समर्थन दिया है, देश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की भी सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जहां चुनाव के अभियान में जनता ने जुड़ करके साथ दिया, मैं पूरे 22 साल के अपने चुनावी राजनीति में जब से आया हूं, अनेक प्रकार के अपने कार्यक्रम, अनेक सभाएं, चुनाव हमने देखे हैं, लेकिन अब के बाद के चुनाव में ऐसा लग नहीं रहा था कि यह विधानसभा के, ये लोकसभा का चुनाव है। ऐसा लग रहा था ये विधानसभा के चुनाव से भी नीचे का चुनाव है, सारे लोग निकल पड़े थे। और उसके अनुरूप जो है, यहां पूरी कैंपेन में, इस कैंपेन का हिस्सा बनकर के प्रदेश की जनता ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया, उसके लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और उससे बढ़कर के प्रदेश की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया, उसके लिए भी मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और एक भारी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, निश्चित रूप से उम्मीद से ज्यादा, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा बढ़त आएगी। लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ता के अंदर जो जोश था और जिस प्रकार से मोदी जी की एक लहर चली थी, तो उससे इस बात का आभास होता था कि अच्छी लीड होगी, अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ऐसा मुझे आभास नहीं था। कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, निश्चित रूप से उनकी मेहनत का परिणाम है। और मैं अपने नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, और विशेष जो है मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका भी भारी सहयोग इस चुनाव में मिला, मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और एक भारी जीत भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से दर्ज की है, क्योंकि आने वाले समय में जिसके बारे में हमने जो इस चुनाव को भी लड़ा है, और उन प्राथमिकताओं को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।